नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारे यहाँ गुरु कृपार्वण फार्म पर मध्य प्रदेश से किसान साथी आए हैं जो औषधि फसल के बारे में जानकारी और औषधि फसल लगाने की इनकी इच्छा है, तो इनसे हम चर्चा करते हैं औषधि फसलों के बारे में, जैविक खेती के बारे में। तो इससे पहले मैं आपका इनसे परिचय करवाना चाहूँगा। तो सर, आप अपने दर्शकों किसान भाइयों को कुछ अपना परिचय बताइए, आप कहाँ से आए हो, किस आपका आने का क्या कारण है बताइए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से आया हुआ हूँ। मेरा फार्म हाउस है पिपरसमा में और मैं स्टीविया की जानकारी लेने के लिए आपके पास आया हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा फार्म हाउस है जामपुर में, मैं इनके पास में अपने खेती की जानकारी के लिए इनके पास आया हूँ और ये आपको जानकारी विस्तृत रूप से हमको ही बताएंगे और आपको ही बताएंगे। ठीक है, तो स्टीविया की खेती के बारे में जानकारी लेने आए हैं, स्टीविया की खेती करने के इंटरेस्टेड हैं किसान भाई। और तो खेती करने से पहले हमारा जो है, हम चाहते हैं कि जैविक खेती हो देश के अंदर, सभी किसान भाई जैविक खेती करें। तो हम बात करते हैं जैविक खेती, तो किसान भाइयों का एक अभी सवाल था कि जैविक खेती की शुरुआत कैसे करें, तो जैविक खेती में कौन कौन से खाद कब उपयोग में लिए जाते हैं, उनका कैसे उपयोग करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी किसान भाइयों को इनके माध्यम से आपको देना चाहते हैं। तो ये जो है सर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये OWDC ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर का एक बोतल है और ये जैविक खेती करने में एक मूलभूत, इसके आधार मूलभूत आधार इसको अपन मानते हैं। ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ये एक उत्पाद है जो कृषि जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र जो है गाजियाबाद में, वहाँ के निदेशक डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी ने इस उत्पाद को गौ माता के गोबर से इसके अंदर कई प्रक्रिया करके ये चीज बनाया है। तो हम बनाने की आपको विधि बताना चाहते हैं कि ये जो है 50 ml की बोतल है, अपने खेत पे, अपने जहाँ आपके बोरिंग है, ट्यूबवेल है, जहाँ पानी का मोटर लगा हुआ है, मोटर पंप लगा हुआ है, वहाँ पर 200 लीटर का एक डोल लेना है आपको, ड्रम, प्लास्टिक का ड्रम 200 लीटर का लेना है। उसके अंदर 200 लीटर पानी भर के उसके अंदर 2 किलो गुड़ का घोल बना कर उसके अंदर आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में इसको जो है, इस पूरी बोतल का जो द्रव्य है उसके अंदर आपको डालना है, डाल करके आपको एक लकड़ी के डंडे से आपको उसको मिक्स करना है। यह मिक्स आपको जब तक ये तैयार नहीं हो जाए, जब तक ढेर ही आपको सुबह शाम हो सके तो दिन में 2 बार आपको उस पर डंडा चलाना है, ताकि वो जितनी बार आप डंडा चलाएंगे और जो अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो सूक्ष्म तत्व जो होते हैं वह इसके अंदर आते हैं, या इसके अंदर जो वो जो जीवाश्म है वो उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है ये मिक्स करने से। तो ये काम करना है सर्दी के अंदर, ये कम से कम आपका 8 दिन का समय लेता है बनने में, और गर्मी में आपका ये 3 से 4 दिन में बन जाता है, गर्मी में, सर्दी में 1 हफ्ता आपका इसमें लगता है, ये 1 हफ्ते के अंदर तैयार हो जाएगा सर्दी में, गर्मी में 3-4 दिन हो जाता है। तैयार होने के बाद में आप इसका उपयोग कहाँ कैसे करेंगे, इसका उपयोग आप जो है बीज उपचार में भी कर सकते हो, जो भी आप फसल करते हो, कोई भी खाद्यान्न करते हो, तिलहन दलहन जो भी जैविक आप करना चाहते हो उसको, इसके जो घोल है उस घोल के अंदर आप भिगो करके और थोड़ा सूखा करके उपयोग में अपन जाए अपन करें, तो उसके अंदर एक तो ताकत बढ़ेगी बीज की और कई तरह के रोग मुक्त वो पौधा रहेगा इसका बेनिफिट। दूसरा इसका जो है, अपन फसल के अंदर स्प्रे में भी उपयोग करते हैं, स्प्रे में उपयोग करेंगे तो यह एक जो है आपका पौधे में एक स्वस्थ पौधा रहेगा, उसके अंदर हरापना ज्यादा लाएगा, ठीक है, आप उसकी पत्तियों में एक आकर्षक देगा, उसको प्रोटेक्ट देगा वो, तो ये उसमें भी काम आता है।
और आपकी भूमि जो है, भूमि के अंदर एक एकड़ के अंदर 1000 लीटर अगर आपने अपनी भूमि में पानी के साथ में इसको चला दिया, जमीन में पानी के साथ इसको दे दिया। कई किसान भाई जिनके पास में ड्रिप इरीगेशन होता है, वो ड्रिप में वेंचुरी सिस्टम लगा होता है सब जगह, तो वेंचुरी के माध्यम से भी इसको अपने खेत में दे सकते हैं, फव्वारे में जा सकता है, फ्लड इरीगेशन में भी आप दे सकते हो। तो इस तरह से आप जो है कुछ भी ना, आपके पास अगर फ्लड इरीगेशन देते हैं तो आप इस तरह का कोई बर्तन पात्र ले सकते हो, टंकी नुमा है ना, एक कैंपर ले सकते हो पानी का, उसके अंदर आप इसमें गोल को डाल दो और टूटी को चालू कर दो, जहाँ आपका दोहरा पाइप पड़ा है तो उसके साथ बता करा जाएगा, तो वह भूमि आप बहुत अच्छी उपजाऊ जाएगी और आप जो है धीरे धीरे आप उसके अंदर केमिकल वाली खाद डालने की अवस्था दे दी, ये इस तरह का आपका ही उपयोग रहेगा। इसके अलावा इसमें जैसे कई चीज जो अपन डालते हैं, जैसे मान लो आप कोई भी किसी भी तरह का कोई उसमें स्प्रे करते हो, उसके अंदर मिक्स कर सकते हो। मैंने कई बार इसका उपयोग जो है अपनी फसल में, जो अपन छाछ होती है, छाछ को अपन थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं 4-5 दिन की यहीं से, और इकट्ठा करने के बाद में जो 4-5 दिन की हो जाएगी, थोड़ा बहुत स्मेल भी आएगी, सड़ान भी होगी, वो ये ले लिया 10 लीटर ये ले लिया, 10 लीटर में 1 लीटर छाछ मिला के उसका स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल में फंगस वाले बीमारी खत्म हो जाएगी, होगी तो, और नहीं होगी, नहीं है फिर भी आपने कर दिया तो आपकी फसल में एकदम ग्रोथ अच्छा आएगा और फंगस की बीमारी नहीं होगी। छाछ से, छाछ एक बार और बताना चाहूँगा इसके साथ में, छाछ के अंदर अगर आपने तांबा का तार या तांबा का कोई भी बर्तन अगर डाल देते हैं तो देखा होगा आपने छाछ में तांबा उतरता है, तो तांबा ये तत्व होते हैं, लोहा तांबा जस्ता ये सब चीजें, ये अपने शरीर के लिए भी अपने फसल के लिए ये बहुत फायदेमंद होती है। तो अगर तांबा डाल दिया या लोहा डाल दिया आपने तो वो लोहा भी उसमें रहेगा तो वो बहुत ज्यादा आपका आपका अच्छा एक न्यूट्रिएंट्स बन गया हो, है ना, तो वो आप वो भी आप इसमें डाल सकते हो। इसमें आप जो है कई तरह के न्यूट्रिएंट्स बना सकते हो, इस दो इसके जो आपने द्रव्य बनाया 200 लीटर का, उसके अंदर आप जो है 200 लीटर की जगह 100 लीटर दूसरे अन्य पात्र में इसका घोल लेकर के उसके अंदर आप घर में वेस्टेज जो आपके पास दलिया होता है, चाहे दालों का दलिया हो, बेसन हो या जो भी हो, उसके अंदर आप मिक्स कर लो, या कहीं कुछ भी नहीं हो तो बेसन जो लेकर के 2 किलो बेसन आप लेकर के उसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा बहुत कुछ और भी वेस्टेज डाल देंगे, थोड़ा गोबर डाल देंगे, ये डाल करके आप उसके अंदर एक अच्छा न्यूट्रिएंट बन जाता है, ये हम तो बनाते हैं, तो ये कुल न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा। उसके अंदर जो भी दालों के अंदर जो मात्रा होती है प्रोटीन की जो भी है वो ये ऑब्जर्व कर लेगा ही उसमें से, और वो अपने पोषण को बढ़ा देगा, ये काम करता है। इसका दूसरा काम ये है कि अपने जो खेत के अंदर जितने भी वेस्टेज जो पड़े रहते हैं, डंठल पुरानी फसल के जो पड़े रहते हैं अवशेष, उनको डिकम्पोज करेगा ये, डिम्पोज करके उसको खाद बना देगा वो, तो वो भी अपनी फसल के लिए काम करेगा। दूसरी बात, जो अपने जमीन में ऑलरेडी अपन जो जैविक वो केमिकल वाले खाद देते हैं DAP यूरिया, वो कुछ परसेंट तो काम आपकी फसल में कुछ उड़ जाते हैं, कुछ जमीन में अंदर चली जाती हो, जम जाती है परत, और वही जम करके अपनी भूमि को कठोर बनाती है जमीन को, तो ये उसको भी डिकम्पोज करेगा धीरे धीरे, उसको बाहर निकालेगा ताकि वो भी जो पड़ा जो पहले का जो पदार्थ पड़ा है केमिकल जो भी पड़ा है उसको भी बाहर निकालेगा और वो पौधे में भी सर्वाइव करेगा और एक वो उसका उपयोग भी जाएगा, तो ये भी काम करता है। तो ये इस तरह ये एक तरह से एक आधार, तो इसका उपयोग सभी किसानों को करना चाहिए। दूसरा, ये एक बोतल लेने के बाद में आपको पूरे साल 2 साल दूसरी बोतल लेने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, ये मल्टी ये मल्टीप्लाई होता रहता है। जैसे मान लो आपने देखा होगा अपने घर में दही बनाने के लिए छाछ का एक 2 मिनट उसमें छाछ डालते दही बन जाता है, वही प्रोसेस जिसका है,
जो आपने ऑलरेडी जो 200 लीटर के ड्रम में जो बना रखा है उसी में से अगला जो नेक्स्ट जो ड्रम तैयार करना चाहते हो उसके अंदर वही 200 लीटर पानी लेकर के 2 किलो गुड़ उसमें डालना है, और जो पहले बना हुआ है अपने पास ऑलरेडी उसमें से 10 या 15 लीटर उसमें डालना उस वाले ड्रम में, नए वाले ड्रम में, तो वो भी बिल्कुल वही काम करेगा, वही काम करेगा। फिर वो खत्म होने लगे तो तीसरे में डालना, तो ये मतलब मल्टीप्लाई चलता रहेगा पूरे साल। जो अपना जैविक खाद जो गोबर का ढेर लगाया उस पर कैसे काम करना है? हाँ, उस पर कैसे काम करेगा? आपने जो गोबर का जो खाद डाला है उसका ढेर, उस ढेर के अंदर आपको जो है बीच बीच में गड्ढे बनाने हैं, थोड़ी थोड़ी एरिया में गड्ढे बना करके जो अपन ने इसका गोल जो तैयार कर रखा है ड्रम में उसमें से वहां जो उन गड्ढों में डाल दो आप नंबर एक बार, ठीक है, तो वो रमता रमता पूरे उसमें फैल जाएगा पूरे ढेर में, तो वहां से अपनी प्रक्रिया शुरू करेगा, उस खाद को ये डिकम्पोज करना चालू कर देगा, तो पूरे खाद एक तरह से आपको वो वर्मी कंपोस्ट जैसा खाद हो जाएगा। कितने दिन में तैयार हो जाएगा वो? लगभग एक महीने में तैयार हो जाएगा, एक महीने में ये आपका वो खाद अच्छा हो जाएगा, वो खरपतवार भी खत्म कर देगा उसका जो। हाँ बिल्कुल, गोबर में खरपतवार, गोबर के अंदर क्या होता है जो जो भी बकरियां जानवर जो भी खाते हैं उसके अंदर वो जो भी फसल चरते हैं या जो भी जड़ी जो भी खाते हैं जंगल में से उसका उसमें बीज चला जाता है खेत में और वो गोबर के द्वारा बाहर निकलता, तो वो वापस अपन खेत में डालते हैं बिना कच्चे खाद को, तो उसमें जर्मिनेशन हो जाते हैं, तो वो नहीं होगा। सारा जितना भी वो उसके जो गोबर के अंदर है जो भी खाद बीज पड़ा है उसको डिकम्पोज कर देगा, उसको नष्ट कर देगा, वो नष्ट हो गया तो अपना वो खरपतवार होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो ये चीजें हैं, तो ये एक सबसे सस्ता सबसे अच्छा रेट आधार है, जैविक आधार अपन इसको कह सकते हैं। ये भी वही हिमगरीब उत्पाद है, जिनका ये उत्पाद है डॉक्टर साहब का, उनका भी ये नया उत्पाद इसी साथ तैयार किया उन्होंने। ये भी जमीन के अंदर कई तरह के आपको एक तरह से ग्रोथ बूस्टर का के लिए काम आएगा, ग्रोथ बूस्टर है ना, तो इसका भी आप जो है ये भी 1 लीटर के अंदर, ये 500 ml की बोतल है, 1 लीटर के अंदर 200 लीटर डोल के अंदर इसको डाल करके और इसका स्प्रे करने से जो है फसल में ग्रोथ अच्छी आती है ना। ये पूरा 100% ऑर्गेनिक है, जैविक है, ये भी डॉक्टर कृष्ण कृष्ण जी का ही उत्पाद है, ये भी अभी नया प्रोडक्ट बनाया है, ये भी गाय के गोबर से तैयार किया है, ये भी गाय के गोबर से तैयार। हाँ, ये भी कई इसमें तत्व हैं, है ना, वो चीजें हैं ये चीजें, क्योंकि ये जानकारी भी आपको बड़ी मुश्किल से मिलने वाली थी आज सौभाग्य। ये है कृषि उत्पाद ODWDC और ये भी ODWDC है, देखो आप ये बाकी इसमें लिखा है एक्सपोर्ट क्वालिटी, ये डॉलर में बिकता है, विदेश में एक्सपोर्ट होता है अपने देश से, $20 इसके रेट क्या है? $20 कितना हो गया लगभग 1600 रुपये का, ठीक है ना, 150 रुपये का ये है, 1600 रुपये का, बाकी अभी 1600 का नहीं है, ये भी मिल रहा है अपन को, ये विदेश वालों को 1600 रुपये का है, अपने इंडियन को जो है 1000 रुपये में भी इसकी रेट है, और वो अपन इसको मंगाएंगे बाय पोस्ट 150 रुपये वो अलग से वो लग सकता है, ठीक है ना। बाकी ये भी बनाया है और ये भी पूरा जैविक है, और ये इस पर लिखा भी है फूड ग्रेड, इसको बोलते हैं फूड ग्रेड, प्योर मदर कल्चर है, फूड ग्रेड है, फूड यानी अपन यूज कर सकते इसको, ये ह्यूमन बॉडी के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक चीज बनाई है उन्होंने, इसका उपयोग से मनुष्य में किसी तरह की बीमारी हो, गैस्ट अल्बल हो, अपने हृदय संबंधी हो, कई तरह की लकवस जैसी कई गंभीर बीमारियां हो उसके अंदर भी काफ़ी इफेक्टिव रहा है, सैकड़ों लोगों ने इसका उपयोग किया है, सैकड़ों लोगों ने
और मैं अभी कई अपने जानकार लोगों को इसकी जो मैं दवाई बना रखी है, मैंने इसका घोल बना रखा है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट लोगों को मिल रहा है। पेट में इतना ज़बरदस्त काम करता है कि आपका पेट ही रोता हुआ आदमी भी अगर वो 2 मिनट के अंदर हंस पड़ेगा, उसका पेट एकदम शांत, वो कहेगा वह मजा आएगा। तो ये चीज के अंदर रिजल्ट है, ये भी उन्हीं का प्रोडक्ट है, ये भी जेबी के 100%। वुमन के इलाज में काफ़ी प्रभावी साबित हो रहा है आज की तारीख में, काफ़ी लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये भी हम लोगों को उपलब्ध करवाते हैं जिनकी इच्छा होती है कि भाई हम इस चीज़ का उपयोग करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये अच्छे प्रोडक्ट हैं। अच्छा, आप क्या बता रहे थे अभी, क्या सवाल था आपका? गोबर खाद के लिए पूछ रहा था कि कितना अपने को लगेगा। हाँ, 1 एकड़ में कितनी मात्रा में लगेगा? 1 एकड़ में स्टीवैग कौन से क्रॉप में? जब स्टीवैग क्रॉप जो है ये एक बहुवर्षीय फसल होती है, इस फसल की उम्र जो है ना 5 साल तक अपन ले सकते हैं। तो 5 साल तक के उस पौधे को प्रॉपर तरीके से उसको अपन एक मैन्योर देना चाहते हैं, और ये खाद जो भी डालेंगे ना एक ही बार लगता है, बार बार जमीन का खुदाई वगैरह। तो अपन को 1 एकड़ में जो है 3 से 5 ट्रॉली जो ट्रॉली होता है ना वो डालना है। 3 से 5 ट्रॉली के लिए करना एक एकड़, 3 कम से कम 3 तो आपको डालना है। डालना ही डालना, ज़्यादा ज़्यादा 5 भी डाल सही बात, ठीक है ना, ये आपको डालना है। अगर आप डायरेक्ट वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं तो वो आपको डालनी है 2 टन, 2 टन यानी 20 टन आपको 20 क्विंटल वो आपको डालनी है। क्योंकि ये फसल जो है आपको बताया कि ये 5 साल चलने वाली है, तो एक बार में जमीन में पोषण पर्याप्त मात्रा से मिलना चाहिए ताकि आगे भी बार बार कटिंग होगी। ये फसल जो साल भर में 5 बार कटाई होती है तो वो फटाफट आपका पौधा जैसे कटिंग हो पानी दो पौधा फटाफट वापस आ जाएगा। बीज में अपने को खाद नहीं देना पड़ता है कटिंग के बाद में? बीज में आपको कुछ नहीं देना है, ये जो इसका जो घोल अपन ने बताया है बना करके विधि वो आपको देते रहना है जब भी आप पानी दो पानी के साथ। फिर आपको किसी तरह का DAP यूरिया मतलब केमिकल खाद का उपयोग नहीं करना है। वो फसल आपकी जो है तो उसके अंदर क्वालिटी अच्छी आएगी, पत्ते अच्छे रहेंगे, पत्ते गुदेदार रहेंगे, ग्रीननेस बने रहेंगे और वो उसका मार्केट आपको अच्छा मिलेगा, वो क्वालिटी अच्छी बनेगी। वो कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी तो वो अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो ये चीज़ का आप उपयोग कर सकते हो, इसका भी आप उपयोग कर सकते हो बीज में स्प्रे के रूप में, ये चीज़ें। और फिर भी और भी कई मेन्यूर आते हैं जैविक, तो आप जैविक बीज में आप दे सकते हो, है ना, स्प्रे या ड्रिप इरिगेशन में। तो ये आपका संपर्क ठीक है। धन्यवाद सबको, नमस्कार, धन्यवाद।